बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तुसां देखदे पए हो साडा चैनल मजर दिशान 72। अज असां माह रमजान दे महीने दे मुतल्लिक गल करे सूं, मजर भाई नाल गुफ्तगू करे सूं, जेड़ा है पकौड़े समोसा दे जलेबियां दे रेट हैं ते टिक्कियां दे रेट हैं, उन्हां दे मुतल्लिक जेड़ा है मजर भाई नाल थोड़ी जिही गुफ्तगू करेंदे आ। जेड़ा अपने चैनल दा कैमरामैन भी है, वैसे एंकर भी है, एंकर तौर पे भी आंदा, कैमरामैन ही ते भी आंदा। इना कोल पूछदे हां, आओ मदर भाई जान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मदर भाई? आओ ऐसे बांध मां के गप ले ले। मदर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जान ठीक ठाक, तो सुनो ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सारे दोस्तों नु देखण वाला नु सलाम करेना और दोस्तों नु पूछदा के भाई थोड़ा मैं रमजान वाला महीना की हो गुजर लगती है, अच्छा गुजरता पी है या तो सब बिल्कुल ही गए गुजरे हो मेरे आप? बिल्कुल। ते हुन गल ते आंदे आप माह रमजान दे विच जेड़े टिक्किया समोसा वाले जलेबियां वाले स्टाल लाई वदन जा जा ते मुख्तलिफ रेट इन। बिल्कुल बिल्कुल। ते इस दे मुताबिक तुहाडी सोच के इस गल ते मैं एक रेसा इन दे बारे च ये आखना चाहना कि भाई मैंने तकरीबन पूरे बखर दा विजिट कीता है, यहीं दे मुख्तलिफ समोसा दे रेट भी पूछे, हालांकि सरकारी रेट है 50 रुपए समोसा, तो कोई 40 रुपए भी समोसा देते पैन, 35 रुपए भी देते पैन, तो कुछ अल्लाह के नेक बंदे वे जे 20 रुपए समोसा भी देते पैन, हालांकि सरकारी रेट 50 रुपए है। तो उस को बाद पकौड़ा की उत्ते रिसर्च की है, पकौड़े 350 रुपए भी किलो ही, 400 रुपए भी किलो ही, 450 रुपए भी किलो मिलते पैन पकौड़े। तो ये हर दुकान का रेट अलग अलग रेट है, इस बारे ना जिले इंतजामिया मैं रिक्वेस्ट करे सा कि भाई इस उत्ते कोई नोटिस गिनो, ताकि ना हर रेट कोई इको हो, हर मुख्तलिफ रेट है। जलेबियाँ तो हम 280 रुपए भी मिलती पी है, 250 भी मिलती पी है जलेबी बखर के बच्चे इस वक्त, तो उस को बाद 300 रुपए भी है, 400 रुपए भी बखर के बच्चे इस वक्त जलेबी मिलती पी है 400 रुपए तक। तो जलेबी का म्यार कौन ही, मतलब अगर 400 रुपए की है उसी म्यार कोई चंगा हो, म्यार भी सही कौन ही, तो लिहाजा मैं जिले इंतजामिया रिक्वेस्ट करेना कि भाई इस देते थोड़ा जो नोटिस गिने, जलेबिया पकौड़ा का रेट चेक करें। मैं रमजान का महीना है, नेक महीना है, एक द लख है, लेकिन इतने आवाम बिल्कुल ही गई ओ है, मतलब हर कोई गहरा दुकानदार है वो अपना पेट भी सुचेंदे अपनी सुचेंदे हराम हलाल करके कमाते पे। चलो मदर भाई ये तो गल थी गई पकौड़े समोसे जलेबी टिक्किया की, हूँ आते हैं दूजी राशन वाली साइड से, जेडे दूजी होर रोजमर्रा के सौदे या समान है जेडे खावन पीवन देन या धोवन पकावन देन, लेकिन जी हक सच की गल करे के भाई कह दुकानदार भी रेट सही को नहीं। अगर एक चीनी 130 रुपए देता पिए तो अगला 150 रुपए देता पिए, तो इतना वड्डा ओ मतलब हम कच्चे वाली साइड से तुसा लगे वंजो तो उत्ते चीनी का रेट चेक कर गिनो, अपने इतने बखर के भी रेट चेक कर गिनो, कोटले जाम लगे वनो, दरिया खान लगे वनो, कितने भी एक रेट को नहीं, सारा ना मुख्तलिफ रेट है। तो ये नेक महीने के बीच भी ये करे देखो अपना, मतलब हालांकि बाहर कंपनियां जितनिया भी मतलब रमजान पैकेज देने रमजान के भी सही सस्तियाँ थी। हूँ मैं एक मेन गल तो करें, अगर राशन मिलता पी है फ्री राशन, अगर मतलब घर दी लीज तक राशन पहुँचा दे, पहले इस उत्ते मैं आना इधर तो सा बेसन चेक कर गिनो, इंतहाई घटिया किस्म का बेसन है, तो आपको मैं कई ऐसा तो सा प्रोग्राम भी किए हो सन इन्होंने बेनजीर है। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने राशन बिल्कुल ही मतलब घटिया किस्म का, आटा बात भी कुछ गुजारा है, घी का भी गुजारा है, बाकी जेरे आटा मिल चलो थोड़ा बहुत गुजारा है, लेकिन जरा बेसन आता पिए हर जहाँ तो शिकायत मिलती है पे बेसन कितने भी सही को नहीं आती है, कई जगह तो बेसन मतलब इन फूट वाले नपा भी है, तो इन्होंने उत्ते कार्रवाई भी थी है, बेसन जब्त किया ने कितने भी मतलब एक कौन रमजान को हूँ तो पहले देख गिनो, रमजान को पहले तो एक गरीब बंदा होता है चलो सब्जी गिन के गुजारा कर गिनता है, तो मतलब गोश्त गिन अगर उसकी औस को नहीं तो वो सब्जी गिन के गुजारा कर गिनता है, लेकिन मैं रमजान के बीच हूँ सब्जी का रेट कितना लगेगा, गोश्त का तो कितना लगेगा हूँ थोड़े सामने 650-600 रुपये रेट है गोश्त का तकरीबन, मैं कन्फर्म नहीं लेकिन हाँ तकरीबन 680 रुपये हूँ 700 तो गोश्त पहुँचा खड़े, जरा गरीब चौदह दिहाड़ी करेंगे दिहाड़ी मजदूरी करेंगे वो 700 रुपए दे हूँ गोश्त सिर्फ गिने या होर गिने शैया 400 रुपए हूँ 450 रुपए घी का किलो है, तो लिहाजा आवाम हुकूमत को सोचना चाहिए आवाम के बारे में, आवाम को कोई रिलीफ देना चाहिए, हूँ जरा राशन मिलता पिया चलो एक राशन है फ्री वाला दूजा राशन मिलता पिया जरा सस्ता राशन है,
ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਦੀਆਂ ਜ਼ਲੀਲ ਥੀਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਕੋਨੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਗਿੰਦੇ ਪਏ ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਉਂਦੇ ਪੈਣ, ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ਈਆਂ ਐਸੀ ਸ਼ਈਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਜ਼ੂਲ ਚਿਪਕਾਉਂਦੇ ਪੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਚਿਪਕਾਈ ਪੈਂਦੀ ਰਿਲਟੀ ਸਟੋਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਣੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਵਣੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਵਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਗਿੰਦੀ ਹੈ, 648 ਰੁਪਏ ਗੱਟੂ ਹੈ, 650 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕਿਲੋ, 650 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਟੂ ਹੈ ਆਟੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਸਤਾ ਆਟਾ। ਤਾਂ ਇਹ 650 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਵੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਆਟੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਥੀ ਵੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੌਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਤੀ ਕਿ ਵੈਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੋੜ ਕੇ 650 ਲੈ ਗੱਟੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਗੱਟੂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਂਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਮਾਰੇ ਮਦਰ ਭਾਈ ਜੋ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮਦਰ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ 72, अब इस वक्त सहेल भाई कैमरामैन ही कर रहे हैं। मदर भाई से एक बात और पूछते हैं कि ये अपनी पाकिस्तानी कौम को और कुछ कहना चाहते हैं जी? मदर भाई आप इस वक्त और कुछ पाकिस्तानी कौम को कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपनी आवाम नहीं हूँ कुछ आकसा के बेचारी आवाम है, शादी पे भोली भाली आवाम है। हालांकि सारे थे रोज़े मुसलमान थे रोज़े फर्ज, इन्हें अपने आप थे पकौड़े जलेबियाँ टिक्कियाँ ये फर्ज की हुई हैं। मतलब अगर जलेबियाँ पकौड़े गए तक अफतारी देवी या सहरी देवी ना होने इन्हें तक रोज़ अफतार नहीं करेंगे। जब जलेबियाँ पकौड़ा टिक्कियाँ उन्हें अपने आप पे फ़र्ज किया है, हालांकि मुसलमान थे रोज़ा फर्ज है। रोज़ा तो सा खजूर नल खोल संगे हो, सिर्फ पानी गिन के पानी नल भी रोज़ा खोल संगे तो इन्हें अपने आप पे फ़र्ज किया हुआ। लिहाजा वहाँ थोड़ी जी सिद्धि थी वे थोड़ा जहाँ बाइकआउट करे ये पकौड़ा समोसा जलेबियाँ का। तो यह कह रहे कितने भी माफिया बैठे, मैं इन्हों दुकानदार नहीं आता पकौड़ा समोसा वाले दुकानदार नहीं आता, ये मैं रमज़ान के बच्चे एक नजायज़ मुनाफा कमाते पहले एक माफिया पकौड़ा माफिया जलेबिया माफिया इन्होंने तुम ना रख सकते जलेबिया माफिया पकौड़ा माफिया टिक्की माफिया तो एक किस्म के माफिया आवाम को ठगी ठुगी लाई पे। मैं आवाम में इो गुजारिश करेंदा तुसा एक दो दिन अगर तुसा नहीं गिनते ना इन्होंने को पकौड़े समोसे तो इन्हों की ऑटोमैटिक हर शायद सट थी वैसे। बाकी मैं दुकानदारा ये नहीं आता कि भाई तुम दुकानदार ही गलत हो, दुकानदार हूँ अगर एग्जाम्पल के तौर पर तो मैं मिसाल देव मेरे को सही पता नहीं, अगर 5000 की पेटी है घी की तो उन्हें तो 5500 की मिलती पी है, जहरी गाल है उन्हें राशन उतने बदावनी है रेट बदावने सरकारी रेट अगर समोसे का 25 रुपए तो 40 रुपए तो उन्हें जहरी गाल बेचने, लेकिन दुकानदारा भी सोचना चाहिए अगर एक रेट रखे तो मैं गल दसा दुकानदार इन दो दुकानदार इन ये दुकानदार भी एक ही जा तो समान गिनते बेसन आटा घी वगैरह मिसाले वगैरह ये दुकानदार ये भी उतों समान गिनते हूँ। इस दुकानदार का रेट है 35 रुपए ये भी चाहता पी है 20 रुपए 35 रुपए भी चाहता पी है ये 20 रुपए भी चाहता पी है। हूँ दुए दुकानदार एक ही जा तो समान गिन के वह 10 रुपए मुनाफा रखता पी है वह 5 रुपए मुनाफा या 2 रुपए मुनाफा जितना भी रखता पी है जायज़ मुनाफा रखता पी है 20 रुपए के भी। तो लिहाजा मैं आवाम ने इो पैगाम देना तो सभी थोड़ा हौसला करो, पानी नाल ही थोड़ा रोज़ा खोल सकता है, पानी नाल भी तुसा रोज़ा खोल सकते, एक खजूर नाल भी तुसा रोज़ा खोल सकते हो, लाजमी नहीं तुसा अपने पकौड़े जलेबियाँ दस्तरखान नू भर दो। एक गल मैं एंड ते आखना चाहता अपनी आवाम नू, फलस्तीन दे विच बहुत जुलम किया जाता है, ठीक है, जितनी भी गैर मुल्की है।